असी खाते बहुत कमाने अंत न पारा अंत न पारा हर कृपा करके बख्श ले हो हर कृपा करके बख्श ले हो 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 पापी बड गुनहगार हो पापी बड गुनहगार असी खत्ते बहुत कमाने अंत न पारा अंत न पारा हर जियो लिखवार नया हर जियो लिखवार नया वही तू बख्श मिलावन हार तू बख्श मिलावन हार तू बख्श मिलावन असी खत्ते बहुत कमाने अंत न पारा अंत न पारा गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल विख कट विकार 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 असी खत्ते बहुत कमाने अंत न पारा अंत न पारा हर हर जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार जन नानक तिन जयकार जन नानक तिन जयकार जन नानक तिन जयकार असी खत्ते बहुत कमाने अंत न पारा अंत न पारा हर कृपा करके बख्श ले हो हर कृपा करके बख्श ले हो 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 पापी
वड गुनहगार हो पापी वड गुनहगार असी खत्ते बहुत कमावे अंत न पारावार अंत न पारावार राख ले हो हम ते बिगरी राख ले हो हम ते बिगरी सील तरम जप पगत ना कीनी हौ अभिमान टेड पगरी अमर जान संची ए काया एह मिथ्या काची गगरी जिने निवाज साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी संदक तो है साध नहीं कही ओ सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बेनती सुनियो कह कबीर एह बेनती सुनियो मत कालो मत कालो जम की खबरी असी खत्ते बहुत कमावे अंत न पारावार अंत न पारावार लूण हरामी गुन है गार बेगाना अलप मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कार ने दह दिस ढूंढन जाहे देवन हार दातार प्रभ निमख न मन बसाए लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए तुद भावे ता बख्श ले बख्श ले खोटे संग करे नानक भावे पर ब्रह्म पाहन नीर तरे असी खत्ते बहुत कमावे अंत न पारावार अंत न पारावार चेता सुमुंद सागर नीर परेया तेते उगण हमारे दया करो किछ मेरी उपाव दया करो किछ मेरे उपाव डूबदे पत्थर तारे असी खत्ते बहुत कमावे अंत न पारावार
कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपे स्वामी, मानस की गत एही, मानस की गत एही। जैसा बारक पाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बहु भांति, पहुड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श लए, प्रभ आगे मार्ग पावे, प्रभ आगे मार्ग पावे। असी खत्रे बहुत कमाने, अंत न पारा वाहे गुरु, 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 वाहे ब्रह्म एक सोए,
ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ना कोई निर्वैरा नाल जिवैर चलाएं दे पिन विचों तिस्ते आ ना कोई इस दा बुरा क्यों होए इस दा बुरा ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੀਚ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦੋਂ ਕਿਚ ਪੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੁਨੋ ਦਿਆ ਸਦਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ
जेड़ा सारिया का भला मंगता है उसका बुरा किमें हो सकता है। गुरु नानक दे कर दी कैसी कमाल दी सिख्या है, भला ही भला सतगुरां दी सोच है। मनुख दी दृष्टि चंगी बन जाए तां कि इन सारी सृष्टि चंगी लगे। इसे लई सानू रोज अरदास विच याद करवाया जांदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ए नहीं कि तू बुरे दा भला नहीं करना, तेरे नाल कोई बुरा करदा है तू ओहदा भी पता करी जा। कुछ सजना दा ख्याल है ना, ऐ बुरे बंदे मैं तेरे ते भरोसा कीता, तू मेरे नाल बुरा कीता तेरे ते लानत है। पर जे दूजी बार फिर मैं तेरे तो धोखा खा जावां फिर मेरी मूर्खता ही है। ये ख्याल किसी राजनीतिक बंदे दे हो सकते ने, धार्मिक बंदे दे नहीं। धार्मिक बंदा सदा विश्वास ते भरोसे नाल भरिया हुंदा है। उसकी सोच हुंदी है कोई नहीं किसी का बुरा करता। बुरिया नाल बुरियाई करनी हर एक बंदा जाने, बुरिया नाल चंगियाई करनी तन गुरु नानक जाने। औरंगजेब अपने पुत्र बहादुर शाह ते भरोसा नहीं सी करता, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहादुर शाह ते भरोसा करते ने। ये बखरी गल है, जिस ते तुसी भरोसा करो वो धोखा दे जाए। औरंगजेब ने बहुत बुरा किया है, इस दियां बुराइयां करके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नूं आनंदपुरी छड़नी पई। सरसा नदी दे किनारे परिवार विछड़ गया, जिगर दे टुकड़े चारों पुत्र शहीद हो गए, मां भी विछड़ गई, सारा परिवार ही विछड़ गया है। हिंदुस्तान दे लोग सुखी वसदे रहन, मेरे कलगियां वाले अपने तन ते दुखड़े सहारदे होए आनंदपुर तो चले ने ते साबो की तलवंडी पहुंच गए ने। एथे औरंगजेब दी चिट्ठी आई है, तुसी दक्षण वल आओ ते मैनू एक बार जरूर मिलो। गुरु गोविंद सिंह जी साबो की तलवंडी तो तुरे ने, औरंगजेब नू मिलन चले ने आगरे विखे। काफी पेंडा तय किया, रस्ते विच की खबर मिली है औरंगजेब की मौत हो गई है। ये भी पता लगा है उहदे तीनों पुत्र राज भाग की खातर आपस विच लड़ पए ने, ते एथे आके गुरु गोविंद सिंह जी दे लाडले कवि भाई नंद लाल जी मिले ने, जिहड़े औरंगजेब दे बच्चियां नूं विद्या भी पढ़ाते रहे ने, उन्हां दा सुभाव चंगी तरह जानते ने। आके बेनती कीती गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नूं, पातशाह जी बहादुर शाह नेक सुभाव दा है, हिंदुस्तान दा राजा भला होएगा ते सारी प्रजा सुखी वसेगी। तुसी भले पुरश हो ते तुसी बहादुर शाह की मदद करो। गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे ने साडियां असीसां उहदे नाल ने, सतगुरु जी उहदे कोल फौज की भी कमी है, ते महाराज जी कहंदे उह भी असी मदद करांगे। दया सिंघा अपने सिंघा नूं लै जावे, बहादुर शाह की हर तरह की मदद करो। चले गए ने, इतिहास ये दसदा है बहुत भारी जंग हुई,
जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यारे सिंह नाल खलोते होण उथे क्यों ना जित हो जाए। बहादुर शाह जित गया जी, ऐलान होया हिंदुस्तान दा बादशाह बहादुर शाह होएगा। ते बहादुर शाह ने दया सिंह नू सरोपा दिता ते गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का शुक्र किया। हाथ जोड़ के एक सुनेहा दे रहा है, कहता है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नू मेरे वालों सलाम कह देना ते एक बेनती करना, जिस दिन मैं राज भाग ते बैठांगा ना उन्हां नू आखना तुसी जरूर आयो। ते सतसंगी फिर समा बनिया, वो समा आ गया। दिल्ली तो महाराज जी तुर पए ने आगरे वल नू, उस समागम विच पुजना है ना। अज औरंगजेब दे पुत्र बहादुर शाह नू राज तिलक लगना है। जदों बहादुर शाह नू पता लगा सारा समागम छड के शहर दे बाहरले दरवाजे ते आ खलोता है, शुक्र करन वास्ते आया है, जीओ आया कहन वास्ते आया है। ते सतसंगी गुरु गोविंद सिंह महाराज घोड़े समेत इस समागम ते गए ने। मुगल राजे उठ के खलो गए, ये ते दरबार दी तोहीन है, कोई घोड़े ते चढ़ के आए। बहादुर शाह कहिंदा है ये बादशाह दरवेश ने, इन्हां ते मेरी हकूमत नहीं चलती, इन्हां दे मन दी मौज है, इन्हां नू मैं कुछ नहीं आख सकता। ओ सोना उच्चा आसन बहादुर शाह दा लगा होया है, नाल एक चंदन दी चौंकी पई है, कौन बैठेगा इत्थे। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नू चंदन दी चौंकी ते बिठा दिता। हुण राज तिलक दी रसम शुरू होण लगी, काजी ते मुल्ला उठे ने। ते बहादुर शाह इशारा करदा है ये रसम तुसा नहीं नवानी। काजी ने आख्या होर कौन नवाएगा, ये ते असी नवांदे हाँ। बहादुर शाह कहिंदा है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए ने ये नवाणगे। सारे सुन के हैरान हो गए, कैसे प्यार दी सांझ है। ते सतसंगी नरवैरता दी मूरत गुरु गोविंद सिंह महाराज उठे, वो सोहना मुकट वो सोहनी दस्तार जदों चुक के बहादुर शाह दे सिर ते रखी है ना, अज बहादुर शाह रो उठिया है। अखां दे हंजू लुकाया नहीं लुकदे। काजी कहिंदा है महाराज ये ते खुशी दा समा है, रोना किस गल दा। मुल्ला कहन लगा कई बार बहुती खुशी होवे ना सांभी नहीं जांदी तां वी अखां विचों हंजू आ जांदे ने। ते बहादुर शाह कहिंदा है नहीं बई, ये रोना खुशी दा नहीं, ये दुखां ते दर्दां दा है। आ इस राज तख्त ने जेड़े दुख दिते ने उन्हां दा रोना है। आखिया किहड़े दुख, बहादुर शाह कहिंदा है अज मैनू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे हसदे वसदे परिवार दी याद आ गई है। अज मैनू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां दी याद आ गई है। इस तख्त ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सारा परिवार विछोड़ दिता। अज मेरा पिता औरंगजेब जिउंदा हुंदा ते मैं उसनू आखदा तू बहुत बुरा है। मैं उसनू आखदा जिहदे पुत्रां नू तू तड़फा तड़फा के मारिया है ना, अज उन्हां पुत्रां दा बाप तेरे पुत्र नू राज दे रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी कहिंदे ने बहादुर शाह
औरंगजेब नाल भी साडा कोई झगड़ा नहीं सी। असी ते उहदे अंदर जो बुरियाई सी उहनू खत्म करना चाहुंदे सां, तुरे सां पर मिल ना सके। पर अज तेरे नाल भी कुछ गल्लां करनियां ने। बहुत सारियां गल्लां होईयां। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह भी भले की गल की, ऐ बहादुर शाह तू राजा है, ख्याल करी हिंदुआं ते मुसलमानां वास्ते कानून एक होना चाहिदा है। पर का बुरा न राखो चीत, तिन को दुख ना भाई मीत। तू ते सारयां दा ही भला बनांदा है। सतगुर इस बना दा भला मनाए ना, इस दा बुरा क्यों होए, इस दा बुरा क्यों होए, इस दा बुरा अवगुण कीते गुण करे, भला अवगुण चित्त बसाए। गुण कीते औगुण करे, बुरा न मन अंदर गुण पाए। जो बीजे सोई फल पाए। पर साडा की सवाए, जिहदे लई असीं बहुत परोपकार कीते होण, उह साडा बुरा करे ते नहीं सहारिया जांदा। कहंदे आ मैं सारी जिंदगी तेरा भला कीता, तू मेरा बुरा करदा है, तेरे नाल बड़ा रोस है। पर गुरु नानक दे घर दी कैसी मर्यादा, वो कहंदे ने तू परोपकार करी जा, भला करी जा, ना सोच भी वो मेरा भला करे। पेंदे खां 15 साल दी उम्र सी जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे कोल आया। बच्चियां वांग इनू पालिया, हर तरह की शस्त्र विद्या भी इनू सिखाई। इन्ना जवान हो गया दुश्मन नू घोड़े समेत चुक लैंदा सी। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी इहदी जवानी ते बहुत माण करदे ने। पुत्रां वांग ते पालिया है, अपने बच्चियां ते कौन माण नहीं करदा। एक दिन इसकी मत फिर गई, दुश्मना नाल जा रलिया, मैदानी जंग विच लड़न वास्ते आ गया। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ललकार रहा है, कहिंदा है तुहाडे सारे दा पेच मैं जानदा हाँ, करो मेरे ते वार। गुरु महाराज जी कहिंदे ने, पेंदे खां तू इस घर विच पलिया है, तैनूं पता है इस घर वालों बार किते नहीं जाते, रोके जाते ने। तू मन बना के आया है, कर ला वार। इन्हें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ते वार किया है, सतगुरा रोक लिया, फिर वार किया है, सतगुरु फिर रोक लेंदे ने। तीजी वार फिर इन्हें वार किया महाराज जी ते। हुण ते मेरे दाता जी ने म्यान विच्चों किरपान कढ़ी, पहले वार नाल ही इसनू धरती ते लटा दिता। जमीन ते पिया हाए हाए करदा है। ते गुरु महाराज कैसे दयावान ने, घोड़े तो उतर के इहदे वल नू दौड़े आंदे ने। इहने सोचिया हुण मैनू होर मारनगे, पर नहीं, सतगुरु की देखदे ने, जमीन ते तड़फ रिहा है। सूरज की रोशनी ये मूँह ते पै रही है, अखां च पै रही है। ते महाराज अपनी ढाल दे नाल ये मूँह ते छां कर देते ने। कहंदे ने, पेंदे खां हाए हाए नहीं, अल्लाह अल्लाह कह, मैं तेनू छां करदा है, तू कलमा पढ़ ले। तन है पातशाह, तुसी साडे लई कैसे पूरने पा गए हो। कोई दुश्मन बन के भी आया है, तुसी उसका भी भला करी जाते हो। सतगुरु सबना का भला मन।
सतगुर इस बना दा भला मनाए ना इस दा बुरा क्यों होए इस दा बुरा क्यों होए इस दा बुरा भाई गुरदास जी लिखते ने मैं बुरे ते भले दी कहानी सुनी तुहानू भी सुनांदा हां भला ते बुरा दोनों सफर ते टुरे सन भले बंदे कोल प्रशादा सी ते बुरे कोल पानी सी भले बंदे ने बुरे नू प्रशादा छकाया रस्ते विच हर तरह दी टहल सेवा कीती पर जदों भले नूं प्यास लगी ते बुरे बंदे ने पानी दा घुट भी ना पिलाया बुरा बंदा बुरियाईयां करके नरकां विच चला गया भला भलियाईयां करके मुक्त हो गया सच्चे साहिब दा न्याओ सच है आओ जी सुनो कहानी भले बुरे दी सुनी कहानी भले बुरे दी सुनी कहानी बिरती हाण वखाड़िया बिरती हाण वखाड़िया सुनी कहानी भले बुरे दी सुनी कहानी भले भले बुरे
ਸਦਾ ਜਾਣੋਈ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹਾਣ ਵਖਾਣਿਆ ਬਿਰਤੀ ਹਾਣ ਵਖਾਣਿਆ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਬੁਰੇ ਦਾ
जोते मारन मुकिया आप विचार अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी कबीर सब ते हम बुरे कबीर सब ते हम बुरे हम तज पलो सब कोए जिने सा कर बूझया सहाय पांडवा
भगत करतूत बसे है। वैर पाओ चित कैरवा गणती जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि जिहो जिहा मनुख आपे
दूसरिया नू भी ओह जिहा ही सोचता है। बुरे मनुख नू सारे बुरे नजर आउंदे ने, सब को बुरा बुरे दे लेख है। भले मनुख नू सारे भले नजर आउंदे ने, भला भला सबना कर देख है। ये पावन ख्याल भाई गुरदास जी दे ने। भाई गुरदास जी एक जगत प्रसिद्ध कथा लिखते हैं। कृष्ण जी बैठे ने, दुर्योधन आया, कहन लगा आज बहुत परेशान बैठे हो, की गल है? कि आप परेशान है ना। कृष्ण जी भी इनू परेशान नजर आते हैं। कृष्ण जी कहन लगे, दुर्योधन जदों कोई बुरा बंदा मत्थे लगदा है, मन परेशान हो जाता है, जा कोई भला मनुख लभ के लिया ताकि मन प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन भले मनुख की तलाश विच चला गया। इन्हे नू युधिष्ठर आ गया, कहन लगा अज बहुत प्रसन्न बैठे हो, ये आप प्रसन्न ने। कृष्ण जी नू भी प्रसन्न देख दे, कहन लगा आज ते तुसी एडे बख्शंद बैठे हो, बुरे तो बुरा बंदा भी तुहाडे मत्थे लग जांदा, तुसी बख्श देना सी। कृष्ण जी कहन लगे ये परोपकार तू कर, जा कोई बुरा मनुख लभ के लिया। युधिष्ठर बुरे मनुख की तलाश विच चला गया। शाम पई, दोनों जाने खाली मोड़ आए। दुर्योधन नो कोई भला मनुख नहीं लभ्या, सारिया विच अपनी औगण देखदा है। युधिष्ठर नो कोई बुरा ना लभ्या, सबना विच अपनिया चंगियाइया तकदा है। करवे होए सो टूटी रेख है, जो मटके विच है टूटी थानी उही बार आएगा। मनुख दी जेहो जी अपनी सोच है, दूसरे नू भी ओहो जेही सोचदा है। सब को बुरा बुरे दे लेख है, आपो पला सब जग पला। आपो बुरा सब जग बुरा। बहुत सिद्ध पदरे दे बोल ने, बुरिया नू सारे बुरे नजर आते ने। घर हर नाकश दैंत दे, कलर कवर भगत प्रहलाद। हर नाकश नू अपना पुत्र ही दुश्मन नजर आता सी। प्रहलाद नू मारन वास्ते उन्हें की कुछ ना कीता, किन्ने तसीहे दिते। पर जदों उस भगवान ने प्रहलाद नू आख्या, प्रहलाद तू मेरा बहुत प्यारा भगत है, तेरे लिए सचखंड दे दरवाजे खुले ने, आ मेरी गोद विच आ जा। प्रहलाद ने आख्या, ए निरंकार पहला ए दसो मेरा पिता कित्थे है। प्रहलाद तैनू पता है तेरा पिता बहुत बुरा मनुख सी, ओदी कोई चंगियाई नहीं, वो नरकां विच। प्रहलाद ने आख्या, ए रब जी एक चंगियाई ते है ना ओदे विच, तेरा प्यारा भगत ओदे घर जम्मिया है, ये ते चंगियाई है ना। जे मेरा पिता ही नरकां विच,
ते किसी दा मैं की सवारा का। एवी सोच हो सकती सी बेशक मेरा वो पिता है, मेरी जान दा वैरी सी, मेरा दुश्मन सी, एहो जे मनुख नरकां विच ही होने चाहिए ने। पर एक किसे बुरे मनुख दी सोच हो सकती है, भला मनुख ते कहंदा है ऐ रब जी तेरी सवली नजर दियां गल्लां ने, तू हर नाकश वल रहमत भरी नजर करेगा ना, ते मेरे विच हर नाकश विच कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तेरी नजर दियां गल्लां ने। उस निरंकार ने आख्या प्रहलाद तू आप भला है ना, तेनु सारे भले नजर आते ने, तेनु किसी की बुरियाई दिसदी नहीं, तू आप भला है। तेरे इस भले सुभा वल देख के मैं बहुत प्रसन्न होया हाँ, तेरिया इक्की कुल्ला तारांगा भला भला सबना कर देखे, भला भला सबना कर देखे, आप भला सब जग भला, आप बुरा सब जग बुरा। पानी पत्थर लेक ज्यों भला बुरा प्रकिरत सुवाए, वैर न टिकदा भले चित हेत न टिके बुरे मनाए। जिस तरह पानी ते लकीर नहीं पैंदी, इसे तरह भले मनुख दे मन विच बुरियाई नहीं टिकदी। जिस तरह पत्थर दी लकीर नहीं मिटदी, इसे तरह बुरे बंदे दे मन विच्चों बुरियाई नहीं जांदी। भला बंदा परोपकारी हुंदा है ते बुरा बंदा बेकार करदा है, बुरे बंदे दी ते बंदगी भी परवाह नहीं है। तुसी आखोगे बुरा बंदगी ते करदा है ना, सवेर शाम गुरुद्वारे ते जांदा है ना। हां सतसंगीओ, ये गुरुद्वारे मंदिर भी जांदा है अपने स्वार्थ लई, अपनी मनोकामना दी पूर्ति वास्ते। ओ रब जी जानदे ने कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, ओ पलिया बुरिया नूं पहचान लैंदे ने। जिदणे दी मंग ना पूरी होई इन्हें गुटका भी रख देना है ते गुरुद्वारे मंदिर भी छड देना है। फिर आपां सुणदे भी हाँ, मैं नहीं हुण गुरुद्वारे मंदिर जांदा, मैं नहीं पाठ पूजा करदा, की फायदा जानदा जे मनु कामना ही ना पूरी होवे। एक मनुख उन्हें बहुत बंदगी की थी, रब जी दयाल हो गए, कहन लगे मांग की मांगदा है। वो अगों कहंदा है रब जी जो मंगांगा देवोगे, बहुत बंदगी की थी। रब जी ने आख्या कोई कमी नहीं, जो मंगेगा मिल जाएगा, पर एक शर्त है, जिन्ना तू मंगेगा ना उदू दुगना तेरे भरा नूं मिलेगा। ये अगों आखन लगा जी मेरे भरा नूं क्यों दुगना मिलेगा, बंदगी ते मैं कीती है, मैं 100 मंगांगा उन्हूं 200 मिल जाएगा। उस मेरे निरंकार ने आख्या जे तैनू 200 दी लोड़ है तू 200 मंग ले, मैं एक घर मंगांगा उन्हूं 2 मिल जाणगे। बई तैनू 2 दी लोड़ है तू 2 मंग ले,
सोचन लगा ओनू चार क्यों मिल जा। फिर सोच बचार के कहंदा है रब जी इंज करो मेरी एक अख अन्नी कर दियो एक अख मेरी बंद कर दियो। सोचदा है आपे भरा दियां दोनों जांदियां लगणगियां। मेरे घर अगे एक खूह पुट दियो। सोचदा है दोनों अखां भरा दियां जाणगियां घर मोहरे दो खूहे होणगे आपे खूह विच डिग के मर जाएगा। रब जी ने आख्या ओए बुरिया तेरी बंदगी प्रवान कोई नहीं होनी। मैं ते एवें भांडे नूं टणकांदा पिया सी भांडा जे कच्चा है तेरे अंदरों बुरियाई नहीं गई तैनू मिलना कुछ नहीं। मैं ते एवें भांडे नूं टणकांदा पिया सी कुछ नहीं मिलना तैनू। जिहड़ा अपने भरा दा भला नहीं कर सकता किसे दा की सवारेगा। सियाणियां दा माते ना बुरे बंदे कोल धन होवेगा विद्या होवेगी कोई उच्चा औहदा होवेगा इन्हां शक्तियां नाल उह लोकां दा बुरा करेगा। भले बंदे कोल विद्या होएगी धन होवेगा वो इन्हां शक्तियां नाल लोकां दा भला करेगा। इसीलिए आख्या है ना ऐ रब जी बुरे मनुख नूं सुख शक्ति ना दे इन्हें लोकां दे काम बिगाड़ देने ने। भले बंदे दा हाथ तंग ना रखियो इन्हें कईयां दे काम सवारने ने। भला भला सब ना कर देखे आप तो भला सब जग भला आप बुरा सब जग बुरा। सुखिए को पेखे सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी। जिस तरह की अपनी सोच है दूसरों को भी वही जैसी सोचता है। रस्ते विच एक दरख्त है बहुत घनी ते ठंडी इसकी छां है। आंदे जांदे राही गर्मी की रुत विच इहदे थले आराम कर लैंदे ने। अज बहुत सारे मनुख सुते पए ने। एक लकड़ां दा व्यापारी उठ के बैठिया ते नजर भर के दरख्त वल देखदा है की सोचदा है जिस दरख्त नूं खरीद लवां कटाई दे के चराई दे के ते बेच के 100 रुपया फिर बच जाएगा। इनूं दरख्त विचों व्यापार नजर आता है। ते एक संगीतकार सुता पिया है वो दरख्त वल देखता है। हवा चल दी टाणियां विच टाणियां बज रही ने पत्ते खड़क रहे ने ते संगीतकार कहंदा है ऐ रब्बा कैसी संगीतमई तोने। एक कुदरती संगीत है संगीत है ही तेरी कुदरत। ओनू दरख्त विचों संगीत सुनदा है। एक मनुख वो घरों लड़के आया है वो भी दरख्त थले बैठा है। अज घरवाली नाल लड़िया बच्चियां नाल लड़ पिया है माता पिता नाल झगड़ा किया है ते गुआंढियां नाल भी झगड़ पिया है। सोचन लगा सारे झगड़ते ने किसी ऐसी जगह ते चले जावा जिथे झगड़ा होवे कोई ना। ते ए भी बैठा नजर भर के दरख्त वल देखदा है। हवा दे नाल एक दरख्त दूजे दरख्त विच वजदा है टाणियां नाल टाणियां वज रहीआं ने पत्ते खड़क रहे ने ते की सोचदा है। कहंदा है मैं सोचदा सी झगड़ा खरे मेरे घर है झगड़ा ते इत्थे भी पिआ है। दरख्त भी आपस विच झगड़ी जांदे ने। संसार है ही झगड़े दा घर।
संसार है ही लड़ाई का घर, उन्हूं इहदे विचों झगड़ा ही नजर आई जांदा है। पर एक साधु भी सुता पिया है, उठ के बैठे है, उन्हें नजर भर के देखिया एक पत्ता दरख्त नालों टुट के जमीन ते गिर गया है। ते मन उदास हो गया, ओए मना ज्यों बन फल पाके पोएंगे रे बौर ना लागे डार, जिमें ये पत्ता टुट गया है दरख्त नालों दोबारा नहीं लगना, ऐ मनुखा दे किते दोबारा मिलनी है। जिन्ना भला हुंदा है संसार दा कर ले, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, तेरी दृष्टि चंगी होएगी तैनू सृष्टि चंगी लगेगी, भाव तेरी सोच चंगी होएगी भली होएगी तैनू सारा संसार भला नजर आएगा। आप भला सब जग भला, आप भला सब जग भला, आप बुरा सब जग बुरा।